ऐतिहासिक कणेश्वर मेला मढ़ई का महोत्सव आखिरकार वो दिन आ गया जब क्षेत्र के लोगों को तमाम लोगों को इस दिन का बेसब्री से साल भर का इंतजार रहता है। इस बार 24 से 28 फरवरी तक यहाँ मेला का आयोजन होना है, जिसके लिए का ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों द्वारा अध्यक्ष समेत तमाम वो लोग अलग अलग व्यवस्था की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आकर्षण की अगर बात करूँ तो इस बार खास ढंग से भव्यता के साथ लाइट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतलब आकर्षक ढंग से विद्युतीकरण किया गया है। वहीं अगर चित्रकारी की बात करूं तो अयोध्या में जैसे बीते 22 जनवरी को देश के लिए ऐतिहासिक दिन था, भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, वैसे ही चित्रकारी आप यहां पर आके भगवान श्री रामलला के स्वरूप में देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मेरे साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष मौजूद थे, उनसे जानूंगा, बातचीत करूंगा। आखिरकार इस बार मेला का आयोजन होना है 24 से 28 तारीख तक, लगातार हम लोग देख रहे हैं आप लोग बीते 14 से 15 दिन पहले से तैयारियों में जुटे हैं, क्या कुछ विशेष है इस बार और क्या कुछ खास होने वाले? मेला महोत्सव की तैयारियों के लिए हमारे ट्रस्ट के साथियों के साथ हम महीनों से जुटे हुए हैं, और विशेष रूप से इस वर्ष जो 5 दिवसीय मेला महोत्सव है वो रात्रिकालीन मेला महोत्सव का भी आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। और जहाँ तक मंदिर की सजावट का सवाल है तो फूलों से पूरा भगवान भोलेनाथ कर्णेश्वर महादेव भगवान का मंदिर सजेगा, पूरा मेला स्थल को लाइटिंग से विद्युत से पूरा सजाया गया है, आप लोग खुद देख रहे हैं। और पूरे मेले के प्रत्येक गली में सभी तरफ विद्युत की व्यवस्था, जहाँ स्नान करने के लिए हजारों श्रद्धालु कल रात्रि से 12 बजे के बाद आएंगे, पूरे संगम स्थल तक विद्युत की व्यवस्था, नहाने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, और वहाँ पूरी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ट्रस्ट के द्वारा की गई हैं। इस बार क्या कुछ है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, तैयारियां पहले से चल रही, चित्रकारी की बात करूं तो उनकी भी एक अलग भव्यता है। जैसे मेला भी मैं घूमने गया तो वहां पर गली वाइज बनाया गया है स्ट्रीट को, मीना बाजार भी लग रहा है, तो क्या कुछ विशेष होने वाले हैं? मीना बाजार को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया। इस समय बड़े लोगों के लिए मीना बाजार का झूला अलग रहेगा और छोटे बच्चों के लिए अलग रहेगा। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से देखते हैं कि इतनी भीड़ हो जाती है कि जो माताएं अपने छोटे बच्चों को लेकर आते हैं उनको झुला भी नहीं पाते थे, इसलिए ट्रस्ट की बैठक में हम अपने पदाधिकारियों और सभी साथियों के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया कि मीना बाजार को 2 भागों में बांटकर लोगों को सहूलियत प्रदान की जाए। हमारे कर्णेश्वर महादेव मंदिर देवरपारा सियावा नगरी ट्रस्ट के सभी लोगों का एक ही सोच है, इस मेले में जो दूर दूर से लोग आते हैं उनको आसानी से सहूलियत हो और मेले में घूमकर आनंद ले सकें, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर सकें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको मिले। जैसे स्नान के दिन मैं खुद देखता हूँ, यहीं के लोकल निवासी हूँ, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं स्नान के लिए, वो तमाम लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है जिससे उसको सुविधा मिल सके? स्नान के लिए पूरे विद्युत की व्यवस्था की है, 12 बजे के रात अंधेरे में जब वो नहाने जाएंगे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो रात्रि में स्नान कर रहे हैं, पूरे भव्य विद्युत की व्यवस्था है, पूरा सीढ़ियों का निर्माण है, नहाने के लिए वहाँ पूरी सुविधाएं उपलब्ध की गई है ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी घटना भी ना हो सके और लोगों को सहूलियत प्रदान हो। इस हिसाब से लोगों को अच्छा लगे इस दृष्टिकोण से हम लोगों के द्वारा तैयारी की गई है।
सब एक दो तीन चार पहले कर।